Hello all my dear students वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल पैसिफिक केमेस्ट्री क्लासेस बायमा लहरिया डू सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स अवर टूडेज टॉपिक इज फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले आपके आस पास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ना थोड़ा सा वो उसको देखना पड़ेगा है ना जैसे अपन देखते हैं बच्चों की अगर आपसे आपकी मोम ने बोला कि आप एक ग्लास पानी में शुगर को डिजोल्व कर दो तो क्या होगा थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा आपका जो शुगर है वो पूरी तरह से पानी में

तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंजेस है तो आप कैसे बताएंगे उसमें तो फिजिकल चेंजेस जनरली क्या होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए हमने वाटर और शुगर ऐड किया तो आफ्टर एवॉपरेशन हमको वापस से क्या हो जाएगा आपका वाटर एवोपरेट हो जाएगा शुगर मिल जाएगा तो ये कैसा चेंजेस हो गया फिजिकल चेंजेस लेकिन मिल्क से कर्ड में चेंज होना इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड बैक टू द मिल्क मीन्स ये चेंजेस कैसा हो गया आपका केमिकल चेंज सिमिलरली अगर हमारा इलास्टिक रबर बैंड है तो हमने इसको खींचेंगे एक बार स्ट्रैच करेंगे और वापस वो कैसा हो जाएगा कंप्रेस फिर से वापस अपनी शेप में आ जाएगा अगर हमारा एक बार खाना खराब हो जाता है फूड स्पॉइल हो जाता है तो वापस वो दोबारा से हमारा वही टेस्ट नहीं आएगा मेनली फूड क्यों स्पॉइल होता है आपको पता है टेम्परेचर मीन्स अगर हम खाना बनाकर बाहर रख देते हैं और अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया मीनस ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो खाना खराब हो जाता है इसलिए क्या करती है मम्मा आपके फ्रिज में खाना रख देते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंट रहता है सो so, स्टूडेंट्स हमको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस समझने से पहले थोड़ा चेंजेस कैसे होते हैं ना आपके आस वो आपको समझना ज़रूरी होता है ना लेटस्ट सी जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं जैसे कि अगर मान लो हमारा ये एक पीस ऑफ पेपर है हमने इसको दो पार्ट में कट कर दिया तो क्या हो जाएगा हम चाहेंगे तो इसको दोबारा से अगर मैंने इसको फाड़ दिया है ना कट कर दिया फिर अगर चाहेंगे तो दोबारा से इसको टच कर सकते तो ये कैसा चेंजेस हो जाएगा फिजिकल चेंजेस सिमिलरली अगर आपका कोई भी चौक का डस्ट पाउडर है वो आपने कलेक्ट किया एंड वापस उसी शेप को आप दोबारा से बना सकते हैं अगर आपका आइस पीस है और आइस को आपने बाहर रख दिया तो क्या हो जाएगा आपको वो मेल्ट हो जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए हमने फिर से वो वो, वो जो हमारा वाटर मेल्ट हुआ है वापस रख दिया उसको तो फिर से वो आइस क्यूब में चेंज हो जाएगा ओके okay, सिमिलरली यदि हम वाटर बॉयल कर रहे होते हैं ना तो क्या होगा वाटर आपने बॉयल किया तो वो एवोपरेट हो जाएगा उड़ सकता है लेकिन अगर हमने कवर कर दिया तो वापस क्या हो जाएगा कंडेंसेशन हो जाएगा फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स आपके हमारे वेसल में कलेक्ट हो जाएंगे तो ये तो कुछ फिजिकल चेंजेस है कुछ केमिकल चेंजेस देखते हैं जैसे कि हमारे आयरन होती है ना आप जानते हैं लोहा उसको रस्ट लग जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स अगर हम आयरन को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना खुला एटमोसफियर में बाहर रख देंगे अगर कुछ भी अगर लोहे का सामान तो क्या हो जाएगा बेटा उसमें जंग लग जाती है और हम इसी जंग को क्या बोलते हैं रस्ट और जो जो प्रोसेस होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं जैसे कि आपने देखा होगा ना घर में मम्मा किचन में काम करती रोटी बनाती तवा यूज़ करते हैं तो अगर उसमें पानी डाला रहेगा तो क्या हो जाएगा वो हमारे उस पर भी जंग लग जाएगी ब्राउन कलर का चेंजेस आपको देखने मिलेगा और वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारी जो कील होती हैं नेल्स होती हैं जो अगर बाहर पड़ी रहती हैं तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद उसमें जंग लग जाती है आपने देखा होगा अगर स्कूल में भी कहीं पर अगर आयरन की रॉड्स पड़े रहते हैं और बारिश हो जाती है तो वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है ब्राउन रस्ट उसके ऊपर आ जाती है देन एक और एग्ज़ाम्पल है अगर हमने मैग्नीशियम को बर्न किया नाउ यू आर इन द क्लास सेवन्थ सो अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम है ना वाइट सिल्वर ही होता है अगर हम उसको बर्न करेंगे तो हमें को क्या चाहिए ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा बेटा वो पूरी तरह से ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा उसके राख में चेंज हो जाएगा और जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हमको ऐश मिलेगा उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ये रिएक्शन आप समझ लीजिए अच्छे से पहले के लिए आपने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम जो है है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है कि बैलेंस लग रही है इधर आपके दो ऑक्सीजन है इधर एक मैग्नीशियम में है और बन रहा है एम जी ओ तो क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू एम जी ओ बन जाएगा आपका और आपका ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा अब देखते हैं हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा उसका ऑक्साइड तो इसको हम क्या बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एच टू ओ तो अभी हमारे पास कितने हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन हो गए दो ऑक्सीजन हो गए एक मैग्नीशियम है तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस अब आप देख लीजिए आपके पास दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है तो इसका नाम क्या हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिखाएंगे फॉर्मूले आप कैसे बना सकते हैं तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपका किसका एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का तो केमिकल चेंजेस के लिए आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन से लर्न करने हैं पहला आपका रस्टिंग ऑफ आयरन दूसरा आप कर सकते हैं बर्निंग ऑफ दी मैग्नीशियम रिबन ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी क्या है आपके पास कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी फिजिकल चेंजेस हैं तो उसमें क्या होगा उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे है ना जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस होता है अगर हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस होंगी जैसे उसका शेप साइज कलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस ऑल दीज आर कॉल्ड एज अ फिज़िकल प्रॉपर्टीज मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे वो हम क्या बोलेंगे फिजिकल चेंजेस इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं, नहीं फॉर्म होता है जैसे आपने बोला पेजेस को आपने ट कर दिया फाड़ दिया तो उसका क्या हुआ साइज अलग हो जाएगा उसका कलर चेंज हो सकता है लेकिन उसका जो भी हमारा क्या होगा सब्सटेंस कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ये जो चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल होते हैं जैसे आपने बोला आइस को मेल्ट कर दिया फिर से उसको जमा दिया फिर से बर्फ़ बन गया तो क्या हो रहा है उसका जो आइस है मीन्स वो किससे बना है पानी से पानी का फार्मूला क्या होता है एच टू हो तो फार्मूला तो एच टू ही रहेगा चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो गैश स्टेट में हो तो फिजिकल चेंजेस में कोई ये रिवर्सिबल होते हैं इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है शेप साइज कलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सबसे पहले मान लीजिए आपने शक्कर देखी तो शुगर को देख आप क्या बोलोगे तो शुगर इज वाइट इन कलर क्रिस्टल के फॉर्म में होती है ऐसे ही बोलोगे ना आप तो जब हम किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हमको क्या बताना है उसका शेप कैसा है वो क्यूब है कि स्क्वायर है या पाउडर उसका साइज कैसा है देन कलर कैसा है तो ये सभी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं ओके इसे ना अगर हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है बेटा वहां पर एक ना वन और मोर न्यू सब्स्टेंसेज आर फॉर्मड इज कॉल्ड इज अ केमिकल चेंज मीन्स ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज और जब भी कोई भी कैमिकल चेंज होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है तो ये जो हमारे चेंजेस होंगे हमारे इनको हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंजेस और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो देखिए वहाँ पे कुछ ना कुछ कलर में चेंजेस आ जाएगा जैसे कि मान लीजिए आपने मम्मा ने सुबह खाना बना के रखा है ना और अगर मान लीजिए हमने दो या तीन दिन तक अगर हमने टिफ़िन बॉक्स नहीं खोला और वो बंद रहा तो क्या हो जाएगा डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी उसका कलर चेंज हो जाएगा ओके okay. तो यहाँ पे क्या होगा केमिकल चेंज में आपको कलर चेंज हो जाएगा उसमें स्मेल आएगी सब्सटेंस में और अगर आपने देखा होगा बहुत दिन तक अगर आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल है वो अगर आपने एकदम से खोल दे तो क्या एकदम से गैस इवॉल्व होती है ना और आपको आवाज़ आती है ये जो रिएक्शनस होते हैं कभी कभी साउंडस भी आते हैं ना आपको जैसे आप फटाके फोड़ते हैं तो क्या होता है जब रिएक्शन हुआ तो एकदम से आपको साउंड की आवाज़ भी साउंड uh, भी आता है तो ये सभी हमारे कैसे चेंजेस हैं केमिकल चेंजेस हैं और कभी कभी इन चेंजेस के लिए हमें हीट भी देनी पड़ती है जलाना पड़ता है आपको लाइट भी देना पड़ेगी और कभी कभी हमको रेडिएशन्स भी देना पड़ेंगे जैसे आपने घरों में देखा है ना बच्चों माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं तो माइक्रोवेव में क्या होता है माइक्रोवेव में हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन्स की हेल्प से खाना बनता है तो जब हम माइक्रोवेव रेडिएशन किसी सोर्स से दे रहे हैं ना जिसके घर में माइक्रोवेव होता है तो आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पर एक बल्ब होता है जैसे आप स्विच ऑन करते हो ना तो माइक्रोवेव का बल्ब ऑन हो जाता है और उस हीट रेडिएशन से हमारा खाना पक जाता है जनरली आपने देखा होगा मम्मा केक बनाती है तो माइक्रोवेव में के बनाती है। तो केमिकल चेंजेस कैसे किसके कारण होते हैं क्या क्या कारण होंगे या तो आपका कलर चेंज हो जाता है या आप अगर कभी आपने देखा होगा मम्मा घर में हल्दी और चूना मिक्स करती है ना तो आपने देखा होगा चूने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाइम और हल्दी क्या होती है हमारी टर्मरिक तो जब भी हम हल्दी और चूने को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा रेड टाइप का कलर हो जाता है तो कलर चेंजेस हो जाते हैं वहाँ पे कोई भी रिएक्शन जब होता है तब साउंड क्रिएट होगा और स्मेल जब आपका चेंज इन स्मेल होगा तो वो केमिकल चेंजेस होते हैं गैस फॉर्म होती है हीट लाइट या एनी अदर रेडिएशंस के द्वारा भी हम केमिकल चेंजेस को कर सकते हैं अब देखते हैं हम एक सिंपल सा रिएक्शन जैसे कॉपर सल्फेट है ना तो कॉपर सल्फेट कॉपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है ना आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आपको ये खुद ही करके देखेंगे जैसे कॉपर सल्फेट ना ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों ब्लू विट्रॉल इसका मैंने केमिकल फार्मूला नहीं लिखा है क्योंकि आपकी क्लासेस में केवल सिंपल आप केवल नेम लिख सकते हो कॉपर सल्फेट क्या होगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है ब्लूइश कलर का होता है लेकिन जैसे हम इसमें एक आयरन डालते हैं ना आयरन का नेल डालते हैं या कोई भी कील वगैरह डालते हैं तो क्या होगा तुरंत ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये कलर कैसा हो जाएगा ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा अभी आपका कलर कौन सा दिख रहा था ब्लू बट जैसे ही आपने इसमें आयरन डाला तो रिएक्शन होकर इसका कलर कैसा चेंज हो गया ग्रीन और ये क्या बना लेता है आयरन सल्फेट और या फिर हम इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं फेरस सल्फेट ओके तो ये क्या बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट में चेंज हो जाता है तो अभी ये क्या चेंज हुआ बेटा केमिकल चेंज हुआ ना कलर भी आपने देखा चेंजेस हो रहा है और हमारा नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर कुछ ब्राउन डस्ट आपको यहाँ पे इकट्ठा होते हुए दिखाई देगी ओके okay, तो फिर से देखते हुए वाला रिएक्शन क्या लेना है आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लैब में आपको इसका पाउडर मिल जाता है कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का होता है फ्रोजी कलर जो आप जानते हैं जब हम इसको मिक्स सोल्यूशन बना लेंगे और एक आयरन का इसमें पीस डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आयरन रिएक्ट होगा इसके साथ में और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन और साथ में हमारा कॉपर सेपरेट हो जाता है तो इस रिएक्शन को ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन फिजिकल so, चेंजेस और chemical changes के में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है नेक्स्ट वीडियो में मैं गैलवनाइजेशन एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन को कवर करेंगे सो so, आपने आई होप आपको समझ में आएगा केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है तभी फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं तभी फिजिकल चेंजेस होंगे और फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्सिबल होते हैं उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का आप आइस टू वाटर ओके वो सब लर्न कर सकते हैं केमिकल चेंजेस के लिए आपको कुछ रिएक्शंस लर्न करने पड़ेंगे एक तो आप ये सिंपल रिएक्शन था हमारा हमारा मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या मिल जाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिल जाएगा हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं और एक एग्जाम्पल हमारा केमिकल चेंज का कॉपर सल्फेट और आयरन वाला भी है थैंक्स फॉर वॉचिंग आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स Next video will be uploaded soon. If you have any doubts, you can ask me and you can message me in the comment box. Thanks. Physical changes में हमने एक example लिया था when we are cutting a piece of a paper. तो अगर आपका हमने उसको four square pieces हैं, उनको अगर हम साथ में जोड़ देंगे तो फिर से वो ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन जो किसका एग्जाम्पल है बच्चों ये हमारा केमिकल चेंजेस का है क्योंकि जब एक बार आयरन में रस्ट लग जाती है तो ओरिजिनल वैसे ही का वैसा नहीं होता अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो हमें उस पर ऑयल पेंट वगैरह लगाना पड़ता है आपने देखिए ना जंग कैसे दिखाई देती है ये सभी आपके रस्टिंग ऑफ आयरन के पिक्स हैं देन हमने एक एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं बच्चों जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो बहुत शाइनिंग व्हाइट शाइनिंग लाइट ब्रिलियंट व्हाइट लाइट वहां पे दिखाई देती है हमको और जब वो पूरा जल जाएगा तो हमें राख बोलते हैं ना वैसा ऐश मिलता है और जब हम उसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ में वाटर के साथ में तो क्या मिलेगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सो स्टूडेंट्स एंड वन मोर एग्जांपल हमने लिया था केमिकल चेंजेस का दैट इज अवर कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर जब हम उसमें आयरन का कुछ भी आइटम डाल देंगे इन्होंने ब्लेड दिखाई हुई है तो एक ऐसा चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट हमको मिलता है और हमारा कॉपर भी हमको वापस मिल जाएगा Thanks for watching. Do subscribe the channel.